साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे लूनैक 20 ग्राम का क्रीम है साथियों फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। साथियों ये माधव बायोटेक लिमिटेड कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है। 199 रुपीस का ये ट्यूब है साथियों, इस तरह का क्रीम है साथियों। लूनैक के बारे में सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, लूनैक है क्या, इसका जो फार्मूला है, कंपोजिशन है, लूलिकोनाजोल क्रीम है साथियों। साथ ही साथ इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे और हाउ टू वर्क। ये बॉडी के ऊपर जो है एक्सटर्नल यूज ओनली है साथियों, तो ये बॉडी पे वर्क कैसे करता है। साथ ही साथ इसका जो है डोज के बारे में बात करेंगे, इंट्रेक्शन की बात करेंगे, प्रिकॉशन की बात करेंगे साथियों। लूलिकोनाजोल जो लूनैक एक ब्रांड है साथियों, बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है मार्केट में जो लूलिकोनाजोल को अपने ब्रांड के नाम से बनाती है, लेकिन कंपोजिशन सभी का सेम रहता है लूलिकोनाजोल जो इसका फार्मूला है साथियों। लूलिकोनाजोल इज यूज टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शन साथियों। ये क्या होता है कि स्किन इन्फेक्शन जो है फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके विकार में उपयोग करने वाला ये ट्यूब है। जैसे एथलीट फूड हो जाता है साथियों, और जॉ इच हो जाता है, रिंग वर्म, कहने का मतलब यह है कि जो पैर के बीच की उंगलियों में जो है क्या होता है कि वहाँ पे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन निकलने लगती है, इचिंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस होती है। और एथलीट फूड ऐसे केस में क्या होता है कि लूलिकोनाजोल क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। दाद, खाज, खुजली, जिसको इंग्लिश में हम रिंग वर्म कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करने वाला बहुत अच्छा ये ट्यूब है साथियों। लूलिकोनाजोल इज एन एजोल साथियों, एजोल शब्द जहाँ पे लगता है वो एंटी फंगल होता है, कहने का मतलब है तुरंत आप समझ जाइए फंगल के इन्फेक्शन में इस्तेमाल करने वाली दवा है। दैट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस, और ये क्या होता है कि बैक्टीरिया, अरे सॉरी, जो फंगस होता है उसकी ग्रोथ को जो है ये रोक देता है, और जो फंगस है उसको जो है क्या होता है कि उसकी सेल वॉल को डैमेज कर देता है, और उससे क्या होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जब ग्रोथ रुक जाती है तो जो फंगल का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है साथियों। 199 रुपीज़ का MRP है साथियों। मार्केट में बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ब्रांड हैं, उनके रेट लगभग इसी तरह के सभी के हैं, 199-200 के अंदर ही है साथियों। इजीली से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है साथियों। साथियों अब हम यूजेज की इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है साथियों, इट इज़ यूज इन टीनिया पीडिया एंड एथलीट फूड। इसमें क्या होता है साथियों कि इचिंग होती है, और जो जो टोज होता है, उंगलियां होती हैं जो पैर की और हाथ की, उसके बीच का जो गैप होता है उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है और स्किन निकलने लगती है, ऐसे केस को साथियों एथलीट फूड एंड टीनिया पीडिया हम कहते हैं साथियों। जॉकिच होता है साथियों, इसमें क्या होता है रिंग वर्म होता है, ये टीनिया पीडिया की वजह से होता है, और इसमें क्या होता है स्किन के ऊपर जो है क्या होता है थोड़ी थोड़ी स्किन निकलने लगती है, और खुजली बहुत होती है, निरंतर खुजली होती है और धब्बा टाइप का बन जाता है, ऐसे केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों। पुरुषों के जो जननांग होते हैं, जेनाइटल पार्ट होते हैं, उसमें जो इचिंग होने लगती है, और उसमें भी ये इस्तेमाल करने वाली दवा है, और महिलाओं के भी जेनाइटल पार्ट में जो है फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इस्तेमाल करने वाली ये दवा है साथियों। कहने का मतलब है ड्राई एंड फ्लेकी स्किन हो जाती है, स्किन कभी कभी क्या होता है सूख जाती है और पपड़ी टाइप की निकलने लगती है, ऐसे केस में जो है फंगल इन्फेक्शन होता है, और लूलिकोनाजोल इस्तेमाल से बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस मिलता है साथियों। फंगल का इन्फेक्शन किसी तरह का है उसमें जो है बहुत ही अच्छी है कारगर दवा है। कभी कभी क्या होता है फंगल प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स इन्फेक्शन होता है, उसमें भी उपयोग करने वाली ये दवा है साथियों। संक्षिप्त में एक बार यूजेज और बताऊंगा, जैसे दाद, खाज, खुजली हो जाती है, और जो है क्या होता है कि गर्मी की वजह से क्या होता है कि जॉकिच हो जाता है, जो पैरों की उंगलियों में जो है खुजली हो जाती है, इचिंग होती है, और जो है क्या होता है महिला और पुरुष के जननांग में जो है फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इस्तेमाल करने वाली ये दवा है साथियों। इसके इस्तेमाल से जो है कुछ साइड इफेक्ट हल्के फुल्के देखेंगे, जैसे किसी किसी पुरुष को जो है या महिला को बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में इस दवाई का सेवन बंद कर दें, और हल्की फुल्की रेडनेस हो सकती है जहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं ऑन द स्किन, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जो है इसके साइड इफेक्ट नहीं है साथियों। ये बॉडी में वर्क कैसे करता है, जो लूलिकोनाजोल वर्क कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लूलिकोना वर्क बाई डैमेजिंग दी सेलवाल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंगस फंगी, कहने का मतलब जो फंगस है उसकी जो सेलवाल होती है उसको ब्रेक कर देता है, उससे फंगस जो है डैमेज हो जाता है, और वो जो है
क्या होता है कि किल मर जाता है, उससे उसकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाती है और इससे जो है फंगस जो है फैलना बंद हो जाता है। तो साथियों ये इसमें होता क्या है कि जब फंगस बंद हो जाता है विच काजिंग द इन्फेक्शन बिटवीन लाइक टोज एंड जेनाइटल इन्फेक्शन एंड इनर थाइज। साथियों इनर थाई पुरुषों की जांघ के नीचे क्या होता है कि कभी कभी स्किन ब्लैक हो जाती है और इचिंग होती रहती है, उसमें लगाने से बहुत आराम मिलता है, साथ ही साथ रिंग वार्म हो जाता है एंड इन्फेक्शन ऑफ द स्किन है वो तुरंत ही रुक जाता है। साथियों इसकी डोज के बारे में बात करेंगे तो ये डोज साथियों क्या होता है, दिस इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। जहाँ पे भी स्किन इन्फेक्टेड होती है वहाँ पे हाथ को जो है फ्रेश वाटर से साफ करके और उंगली पे लेके वहाँ पे जो है लोकल अप्लाई कर दिया जाता है, ये लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है सोप से उसको हाथ को धुल के टावल से पोंछ दिया जाता है साथियों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे साथियों, जहाँ पे भी स्किन में अप्लाई करेंगे वहाँ की स्किन को फ्रेश वाटर से धुलने के बाद टावल से उसको सुखा लें, तभी इस ट्यूब का जो है इस्तेमाल करें। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो लूलिकोनाजोल जो फंगस में इस्तेमाल करने वाली क्रीम है इसका बहुत सी दवाइयों के साथ इंट्रेक्शन है, तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं या स्किन स्पेशलिस्ट को आप दिखाते हैं, अगर कोई पहले से दवा खा रहे हैं या कोई बीमारी है तो तुरंत बता दें। जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवा है, जैसे नेप्रोक्सिन है, डाइक्लोफेनिक है, निमूसलाइड है, अगर इस तरह की दवा खाते हैं तो उसके साथ इसका सेवन ना करें, नहीं तो स्किन में विकार पैदा कर सकता है। एंटीबायोटिक जैसे एमोक्सिसिलिन अगर खा रहे हैं या क्लेरिथ्रोमाइसिन है उसके साथ इसके इंट्रेक्शन होने के चांस है। साथ ही साथ कफ एंड कोल्ड अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं जैसे डेक्सटोमेथारफोन है या डाइफिन हाइड्रामाइन या फिलाइल फरीन है उसके साथ इस दवाई का सेवन ना करें, इंट्रेक्शन के चांस होते हैं। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे तो दिस इज टॉपिकल यूज ओनली, कहने का मतलब है एक्सटर्नल यूज ओनली होती है ट्यूब, नॉट फॉर ऑप्थल्मिक यूज, नॉट फॉर इंट्रावेजाइनल यूज। ये क्या होता है इंट्रावेजाइनल यूज में जो है इस्तेमाल नहीं की जाती है, मतलब एक्सटर्नल बाहरी त्वचा में कहीं भी इन्फेक्शन होगा उसमें ये स्किन ये जो है क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।